28 फरवरी को स्कूटी पर जाती हुई दो महिलाओं से हाथीपोल थाना क्षेत्र के शिक्षा भवन के पास दो व्यक्तियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे दोनों महिलाएं गिरकर जख्मी हो गई थी। हाथीपोल थाना अधिकारी गोपाल चंदेल ने बताया कि शेरबानो पत्नी जाकिर निवासी पारसोला हाल मल्ला तलाई ने रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 28 फरवरी को करीब 10:30 बजे के आसपास शेरबानो खांजीपीर से अपनी स्कूटी पर अपनी मम्मी पुत्री व पुत्र के साथ मल्ला तलाई जाते समय सुनसान जगह पर दो लड़के एक ग्रे कलर की मोटरसाइकिल कर पीछे से आए व शेरबानो की माता से पर्स छीन कर शिक्षा भवन की तरफ भाग गए। पर्स में 13,000 रुपए, एक मोबाइल फोन व घर की दवाइयां रखी हुई थी। इस छीना झपटी में दोनों महिलाएं व बच्चा स्कूटी से नीचे गिर गए, जिससे तीनों के शरीर पर चोटें आई। रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दो अपराधी मोतीलाल उर्फ सोनू पिता कालूलाल व विकास पिता कालूलाल निवासियां आमेटो कवास केलवाड़ा रासमन हाल पालड़ी उदयपुर को प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर पूछताछ की, जिसमें अभियुक्तों ने उक्त घटना करना स्वीकार कर बताया कि घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल को भी अभियुक्त मोतीलाल ने दिनांक 17 फरवरी को एमबी हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड से छुड़ाया था, जिसे उक्त वाहन को जब्त कर उसके बाद में अनुसंधान अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में लूट नकबजनी के कई प्रकरण जिले में दर्ज हैं।